सिलपोस्ट में आपके साथ में मैं हूं नामिका। लगातार चर्चा में बने रहने वाले बिहार के वैशाली जिले के महुआ विधानसभा के आरजेडी विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन एक बार फिर से चर्चा का विषय बने हुए हैं, यानी कि सुर्खियों में आ गए हैं। इन दिनों उनके फेसबुक आईडी से मैसेज भेज करके लोगों से रुपए मांगे जा रहे हैं। जी हाँ, जब इसकी सूचना लोगों ने विधायक को दी तो ये पूरा का पूरा मामला सामने आया। लंबे समय से आरजेडी से जुड़े रहने वाले डॉक्टर मुकेश रोशन विगत विधानसभा चुनाव में पहली बार आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े और पहली बार में ही जीत हासिल कर ली। विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन सोशल मीडिया में काफी एक्टिव रहते हैं और इस कारण इस बार उनकी चर्चा फेसबुक के कारण हो रही है। आपको बता दें कि रोशन के नाम से फेसबुक आईडी बनाने वाला लगातार अपने साथियों जाने वालों से रुपए की मांग कर रहा है। जब इस बात की जानकारी उनके एक दोस्त सिंटू ने उन्हें फोन करके दी तो ये पूरा का पूरा मामला प्रकाश में आया और तब पता चला कि इसने नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बना करके जाने वालों से रुपए मांग रहा है। छोटी सी हेल्प करने का मैसेज कई लोगों को आया जिसमें जल्द ही रुपए ट्रांसफर करने को कहा गया। हालांकि सभी से अलग अलग राशि से रुपए की जो है वो मांग की गई है। राजद विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन ने इस बात की लिखित शिकायत हाजीपुर सदर थाना के SHO से कर दी है। उन्होंने पूरी घटनाक्रम की जानकारी वैशाली पुलिस को दे दी है। यहाँ आपको बताते चले कि इससे पहले भी साइबर अपराधी बिहार के अल्पसंख्यक मंत्री जमा खान, पूर्व मंत्री महेश्वर हजारी के अलावा बिहार कैडर के IPS अधिकारी आलोक राज, पूर्व DG SK भारद्वाज समेत कई नामचीन लोगों के नाम पर इसी तरह से फर्जी फेसबुक अकाउंट बना करके लोगों को ठगने का प्रयास कर चुके हैं। कई मामलों में साइबर अपराधियों को कामयाबी भी मिल गई है तो कईयों में उनकी दाल नहीं गली है। बहरहाल अब ये देखना होगा कि कब तक पुलिस इन मामलों को उजागर कर पाती है। फिलहाल इसमें इतना ही। नामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।